हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डेमन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेमन फ्रेंसी व्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टीवीएस कंपनी की बहुत ही शानदार बाइक टीवीएस राइडर 125 सीसी BS6 2022 मॉडल की। दोस्तों ये जो गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में चार कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती है, जिसमें पहला है विकेट ब्लैक कलर, दूसरा है स्ट्रिकिंग रेड कलर, तीसरा है ब्लेजिंग ब्लू कलर और चौथा है फेरी येलो कलर। दोस्तों वेरी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा भिलाई टीवीएस शोरूम के ऑनर श्री शिवदयाल साहू सर का, जिन्होंने मुझे इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए परमिशन दिया। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही बाइक रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकॉन को ऑन पर सेट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से, तो गाड़ी फ्रंट से काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाता है और 125 के हिसाब से इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट्स बाइक का फील मिल जाता है। दोस्तों स्पीडोमीटर के ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिश टच देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको 3D में TVS लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी प्रीमियम बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाता है और इसके नीचे में आपको राइडर का स्मार्टली तरीके से R लिखा हुआ मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी की वाइजर की बात करो तो पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी येलो कलर में इस गाड़ी का वाइजर आपको देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों बात करें तो इस गाड़ी के साइड टर्न इंडिकेटर्स के नॉन फ्लेक्सिबल टाइप साइड टर्न इंडिकेटर्स गाड़ी में आपको मिलते हैं, जिसमें हेलोजन बल्ब का यूज़ किया है, जो कि ब्लिंक करते हुए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वाइजर पर आपको तिरंगे का कलर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस गाड़ी के हेडलैम्प सेटअप की बात करूँ तो पूरी तरीके से LED हेडलैम्प सेटअप इस गाड़ी के फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको DRL का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको ऊपर साइड में दो नोबिन देखने को मिल जाते हैं और नीचे में आपको हाईबीम देखने को मिलता है। दोस्तों जो लाइट्स हैं वो इंजन जब स्टार्ट होता है तब आपको ब्लिंक करते देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें तो इस गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन की, तो इस गाड़ी के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको राइडिंग करने में काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट में आपको 240 mm चौड़ी पट्टी वाली पैडल डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट में आपको 17 इंच के LEDs मिल जाते हैं, जिसका पैटर्न कुछ इस तरह का सा आपको देखने को मिल जाता है और पूरी तरीके से ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको 80-17 का TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट मडगार्ड की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी के फ्रंट मडगार्ड जो है आपको दो कलर में देखने को मिलता है, ग्लॉसी येलो कलर और पीछे का साइड जो कलर है वो है आपका मैट ब्लैक कलर में। दोस्तों गाड़ी फ्रंट से काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं गाड़ी का साइड प्रोफाइल की, तो गाड़ी जो है साइड से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आता है और काफ़ी खूबसूरत दिखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की, तो काफ़ी ब्रॉड इस गाड़ी का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक का ही फील कराती है। फ्यूल कैप कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के सेंटर में आपको कार्बन फाइबर का टेक्सचर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी में आपको USB चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी का काफ़ी शानदार फीचर्स है। जब अब इस गाड़ी में आप अपने जो है मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, ये काफ़ी शानदार फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ग्लॉसी येलो कलर में इस गाड़ी का पूरा फिनिशिंग टच देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको टैंक ऑल देखने को मिलता है, जिस पर कंपनी हॉर्स का 3D लोगो यहाँ पर आपको एडिट मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम गाड़ी के लुक को प्रोवाइड करता है। उसके नीचे में दोस्तों ETFI लिखा मिल जाता है। ET का मतलब होता है इको थ्रस्ट FI सिस्टम। दोस्तों इस गाड़ी में आपको काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 10 लीटर इस गाड़ी में फ्यूल जो है फिलअप करा सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हैंडल बार की, तो इस गाड़ी में आपको नॉर्मल हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। दोस्तों इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, मिरर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हैंडल बार के सेंटर पॉइंट में आपको TVS लिखा मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाता है।
दोस्तों इस गाड़ी के लेफ्ट हैंड हैंडलबार में कुछ इन्फॉर्मेटिव स्विचेस बटन दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग लाइट के लिए स्विच मिल जाता है, उसके ऊपर में आपको हाई बीम लोडिंग के लिए स्विच मिल जाता है और उसके नीचे में साइड एंड इंडिकेटर्स के लिए स्विच मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में सिंगल हॉर्न सेटअप के लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है। दोस्तों लेफ्ट हैंडल बार कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, इसका मिरर का पैटर्न भी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। राइट हैंडल बार में दोस्तों आपको इको मोड और पावर मोड के लिए एक स्विच मिलता है। दोस्तों उसके नीचे साइलेंट स्टार्ट करने के लिए इस गाड़ी को स्विच मिल जाता है। दोस्तों गाड़ी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी की चाबी की, तो इस गाड़ी में आपको नॉर्मल चाबी देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का स्मार्ट चाबी इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इग्निशन में चाबी इंसर्ट कर लेते हैं और ऑन करते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, वो है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको पूरी तरीके से LCD पैनल वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको टेकोमीटर और ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, किलोमीटर, RPM मीटर और गियर पोजीशन शो करता है। साथ ही साथ इको मोड और पावर मोड यहाँ पर शो करने को देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी शो करता है, आपको रियल टाइम शो करता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको रियल टाइम माइलेज भी शो करता है। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको साइड एंड इंडिकेटर्स के लिए और हाई बीम लो बीम के लिए और साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर का भी यहाँ पर आपको इंडिकेशन जो है शो करता है। दोस्तों मीटर के सेंटर में आपको हॉर्स को लोबो देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर दो स्विचेस दिए हैं जिसके थ्रू आप मीटर को ऑपरेट कर सकते हो, तो यह काफ़ी सही चीज़ इस गाड़ी के मीटर में आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर हेलमेट का भी आपको इंडिकेशन जो है ये स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको स्प्लिट टाइप सीट मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको काफ़ी आराम प्रोवाइड मिलेगी। दोस्तों इस गाड़ी का जो ग्रैब रेड है आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। मेटल की बॉडी का यूज़ किया गया है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये पूरी तरीके से ग्लॉस सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों साइड से गाड़ी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी शानदार इस गाड़ी का लुक स्विच और डिज़ाइन कंपनी ने बनाया है। दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी का क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है और सिंगल हॉर्न का सेटअप भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको 124.8 cc का 4-stroke 3-valve एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर SI BS6 इस गाड़ी में आपको इंजन मिल जाते हैं, जो कि 11.38 BHP का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 7500 RPM पर और 11.2 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पर। दोस्तों यहां पर इस गाड़ी का आपको इंजन कॉल भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी स्पोर्टी बनाता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको काफ़ी शानदार पावर पिकअप देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको 5-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला गियर जो है आपको नीचे के से लगते हैं और बाकी 4 गियर ऊपर से लगते हैं। राइडर का फुट रेस्टर की क्वालिटी काफ़ी शानदार यहाँ पर रखी गई है, फोल्डेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर रबड़ की बॉडी का यूज़ किया गया है। दोस्तों उसके नीचे में आपको साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर मेन स्टैंड का भी ऑप्शन गाड़ियों को देखने को मिल जाता है। पिलियन का फुट रेस्टर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी में आपको सारी गार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको नेकेड चैन सिस्टम देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइडर आपको 3D में लिखा हुआ मिलता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी प्रीमियम बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों सीट का जो पैनल है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, पूरी तरीके से ग्लॉस कलर में आपको देखने को मिल जाता है, इसमें किसी प्रकार के स्टिकर भी इस कंपनी ने नहीं किया है। साइड से दिखने में काफ़ी स्पोर्टी लुक इस गाड़ी से आता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर सेक्शन की, तो गाड़ी रियर से भी काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको LED टेल लैंप का सेटअप देखने को मिलता है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको TVS लिखा मिल जाता है, उसके नीचे में आपको रिफ्लेक्टर्स लगे मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी का रियर नंबर प्लेट के लिए आपको जगह मिल जाता है। रियर नंबर प्लेट शो करने के लिए यहाँ पर आपको बल्ब का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। दोस्तों इस गाड़ी का रियर मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिखता है। दोस्तों इस गाड़ी के रियर में आपको नॉन फ्लेक्सिबल टाइप साइटें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर टायर और व्हील्स के बारे में, तो इस गाड़ी के रियर में आपको काफ़ी चौड़ा टायर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी और इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है।
दोस्तों इस गाड़ी के रियर में आपको 17 इंच के एलाइबीज मिल जाते हैं, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से ब्लैक कलर में दिखता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको TVS कंपनी का 190/17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इस गाड़ी के रियर में आपको 130 mm वाली ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करें इस गाड़ी के रियर सस्पेंशन की, तो इस गाड़ी में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। दोस्तों इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट का पैटर्न है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आता है। दोस्तों इस गाड़ी में जो एग्जॉस्ट है उसमें आपको ड्यूल कलर का यूज़ किया गया है, मैट ग्रे कलर और मैट ब्लैक कलर। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों अब बात करें इस गाड़ी के इंजन कुछ और स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों इस गाड़ी का एक निगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा है वो इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन कंपनी जो है नहीं देती है। ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि 125 cc बाइक के हिसाब से आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल कराना था। दोस्तों इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पर आपको हॉर्स कोलोबो मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर TVS इंटेलिगो की बैजिंग मिल जाती है, जो कि TVS की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों यहाँ पर क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ साइलेंसर का यहाँ पर कैसेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको इंजन के नीचे इंजन कॉइल देखने को मिलता है, जो कि कीचड़ वगैरह से आपके इंजन को प्रोटेक्टिव करने का काम करती है। दोस्तों इस गाड़ी का रियर सीट पैनल ओपन करने पर यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपना जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर मोबाइल या पर्स आप यहाँ पर कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी TVS राइडर में। तो दोस्तों ऐसे कुछ फीचर्स जो हैं इस गाड़ी को काफ़ी अलग बनाते हैं अदर 125 cc की गाड़ियों के हिसाब से। चलिए दोस्तों अब बात कर रहे थे इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस और डायमेंशन के बारे में। तो दोस्तों 785 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, 2070 mm इस गाड़ी की लंबाई है, 1028 mm इस गाड़ी की ऊंचाई है और 180 mm इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। दोस्तों इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 1326 mm और 130 kg इस गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको 5 साल तक या फिर 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। दोस्तों मैंने भिलाई TVS शोरूम कुरुद का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप एक बार जाकर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो।